फ्रेंड्स, आज मैं जलियांवाला बाग गई हूँ और यहाँ का वीडियो बना रही हूँ। और आप जैसे कि देख सकते हैं, ये है मेन एंट्रेंस जलियांवाले बाग में एंटर होने का रास्ता। और यहाँ पे भी काफी सारे लोग आए हुए हैं और रोज आते हैं यहाँ पे। पर इस एंट्रेंस की एक और बात भी है जो मैं आपको साथ में बता देती हूँ कि ये एक ही एंट्रेंस है और बहुत छोटा होने की वजह से जब जलियांवाले बाग का हत्याकांड हुआ था तब लोग यहाँ से बाहर नहीं भाग सके थे, क्योंकि एक तो ये छोटा रास्ता था, दूसरा जनरल डायर ने इसको बंद करवा दिया था। अब हम आगे जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीजें जो हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है। पर खासकर जो 13 अप्रैल 1919 को घटना हुई थी, जनरल डायल ने जो करवाया था हत्याकांड, उसकी यहाँ पे मुंह बोलती निशानियां हैं। आप उनको देखेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि कितना बड़ा हत्याकांड हुआ था। और खासकर जब भारत गुलाम था तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घटनाएं घटी थी, जिसमें कि ये भी एक महत्वपूर्ण घटना थी जो जलियांवाले बाग में बैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम रॉलेट एक्ट पास कर दिया था, जो कि एक दमनकारी एक्ट था। उसके खिलाफ बहुत सारे आंदोलन शुरू हो गए थे, सभाएं शुरू हो गई थी, जिसमें से एक ये भी सभा बुलाई गई थी वैसाखी वाले दिन। और यहाँ के नेताओं ने एक शांतिपूर्वक सभा करने का सोचा और 13 अप्रैल 1919 को बहुत सारे लोग, करीब 10,000 के करीब लोग यहाँ पे आए थे इस सभा में शामिल होने के लिए। और कई लोग सिर्फ उस दिन मेले में शामिल होने के लिए आए थे। पर बाद में जो हत्याकांड हुआ उससे इस सभा का रूप रंग ही बदल गया। तो यहाँ पे एक हॉल की जैसा बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको बैठ के पूरी उस दिन की कहानी दिखाई जाती है प्रोजेक्टर के थ्रू। और साथ में यहाँ पे ये मूवी चलती है, शॉर्ट मूवी है, जिसमें हम लोगों को पूरी जलियांवाले बाग की घटना को एक शॉर्ट मूवी में, शॉर्ट फिल्म में दिखा देते हैं। और ये मूवी हर वक्त चलती रहती है, जो भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे बैठ के पूरी जलियांवाले बाग की हिस्ट्री को इस मूवी के थ्रू जान सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। On 13th April 1919, by General Yarmouth with his British soldiers on the sacred day of Bessa. Blackest day in the history of Indian freedom struggle. The massacres of the innocent, the brutalities of the martial law, along with the killings of Punjabis in Punjab. The blackest chapters in the history of British rule became an inspiration for all Indians to fight for their liberation. The spirit of nationalism, instead of being crushed through these brutalities, further strengthened, and Punjab reacted with more strength. The revolutionaries, the Najawan Bharat Sabha, and many other nationalists fought bravely for achieving freedom. The Indian tricolor unfurled in Delhi on 15 August 1947. It is because of those sacrifices that today we enjoy the freedom with our hearts held high without an ounce of fear. Let us offer our homage with respect, dignity and sanctity. Standing on the soil of Jalianwala Bagh, a bagh that will always enthuse nationalism for future generations. तो इस तरीके से इस फिल्म के जरिए, एक शॉर्ट फिल्म के जरिए हम लोगों को दिखाया गया है कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था उस वक्त में, और भारत के कितना गुलाम था, कितनी परेशानियाँ, कितनी दुर्घटनाएं उस वक्त पे हुई थी। और शायद भारत के लोग उस वक्त हिम्मत नहीं दिखाते तो आज को भी हम लोग आज़ाद नहीं हो सकते थे। ये सब इस मूवी में दिखाया गया था। पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि उस वक्त का जो भी हुई घटनाएं, उसमें एक जीता जागता सबूत ये जलियांवाले बाग की दुर्घटना भी है, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। और यहाँ पे फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि जनरल डायर ने यहाँ पे एकदम से आके निहत्ते लोगों पे गोलियां चला दी थी और बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे, मर गए थे, जिसमें बूढ़े बच्चे, जवान और छोटे बच्चे भी थे और महिलाएं भी थी।
और किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। अचानक से जनरल डायर उस रास्ते से, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एंट्रेंस दिखाया, वहां से अंदर आया और यहां पे जो सभा चल रही थी, अचानक से उसने घेरा लगा के चारों तरफ से गोलियां चलानी शुरू कर दी थी और लोगों को भागने के लिए भी कोई रास्ता नहीं था, तो इसलिए बहुत सारे लोग घायल हो गए थे और कई लोग मारे गए थे। और यहाँ पे भी देखिए प्रोजेक्टर के थ्रू, और यहाँ पे देखिए बहुत सारी जगह पे उस दिन की कहानी लिखी हुई है, छपी हुई है, पोस्टर्स में लगाए हुए हैं, और उसके अलावा यहाँ पे भी प्रोजेक्टर के उस दिन क्या क्या हुआ था वो सब दिखा रहे। जनरल डायर को जलियांवाला बाग में गोलीबारी सफल की जाकर और उसने कुछ करने की बाद में हजारों हिंदुस्तानी अपने अमेरिका हंसराज को सुन रहे थे। तभी एक गुजरते हुए हवाई जहाज ने उनमें बेचैनी पैदा कर दी। हंसराज ने उन्हें आश्वासन दिया कि चूंकि सफर शांतिपूर्ण थी, डरने की कोई बात नहीं। गली संतरी होने के कारण वो अपने बख्तरबंद वाहन अंदर ले जा पाया। उसने अपने 90 सैनिकों को पोजीशन लेने का हुक्म दिया। से इस प्रोजेक्टर के थ्रू हमें वो सब चीजें, घटनाएं दिखाई गई कि किस तरीके से क्या क्या हुआ था, कैसे गोलियां चली, कैसे लोग घायल हुए, और वो रात जो काली रात के रूप में जानी जाती है, याद की जाती है, उस रात को क्या हुआ था, कितने लोग ऐसे ही पड़े रहे, कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया। तो इस तरीके से इस जगह पे जहाँ पे अब मैं चल रही हूँ, वहाँ पे सालों पहले एक दुर्घटना घटी थी जिसमें लोग मारे गए, और शायद उस दुर्घटना की वजह से ही आज हम आज़ाद हैं, क्योंकि जैसे जैसे दुर्घटनाएं होती गई वैसे वैसे लोगों में और जोश बढ़ता गया, और लोगों को ये समझ में आ गया कि उनको अब आज़ादी चाहिए ही है, इसलिए धीरे धीरे और ज़्यादा चीज़ें होने लगी, घटनाएं होने लगी, यहाँ तक कि लोगों ने और हिम्मत दिखानी शुरू कर दी। तो इस तरीके से जलियांवाला बाग की घटना बहुत ही मेमोरेबल है, बहुत ही हिस्टोरिकल है, और एक हम लोगों को ये चीज़ें देख के, यहाँ की ये जो फिल्म है, ये मूवी देख के, या यहाँ की जो चीज़ें हैं
वो देख के हम लोगों को अंदर से प्राउड फील होता है कि उन्होंने क्या क्या हमारे लिए किया है। और यहाँ पे एक कुआं भी बना हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। वो वही कुआं है जब लोग गोलियां चल रही थी तो बचने के लिए जब कोई जगह नहीं बची, कोई रास्ता नहीं था, तो वो इस कुएं में कूद पड़े थे ताकि उनकी जान बच जाए। ये कुआं भी इतना गहरा था कि जिन लोगों ने भी इसमें बचने के लिए छलांग लगाई थी वो भी मारे गए, वो भी नहीं बचे। तो इस तरीके से इस कुएं को शहीदी कुआं के नाम से जाना जाता है। और इस कुएं में भी बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। तो ये भी एक देखने और सोचने की चीज़ है कि देखिए ये कुआं मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, यहाँ पे पूरी शीट कवर कर दी है ताकि लोग मतलब कहीं गलती से इसमें गिर ना जाए, क्योंकि ये अभी भी बहुत गहरा। फ्रेंड्स, ये है शहीदी कुआं, यहीं पे बहुत सारे लोगों ने कूद के अपनी जानें दे दी थी। और ये बहुत फेमस स्मारक है जिसका मैं आपको क्या बयान करूँ यहाँ की कहानी, क्योंकि आपने देखा और वैसे भी बहुत सारे लोगों को पता है। अंदर का नहीं दिखेगा, ऊपर तक उन्होंने किया है ना, इतना गहरा है देखो। ये है जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है, और मैं अपने वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। मेरा वीडियो यह अभी आप और पूरा देखिएगा, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग और मैं बोल सकती हूँ कि दुखनीय चीज़ दिखाने जा रही हूँ, जो कि यहाँ पे एक वॉल है, वहाँ पे बहुत सारी बुलेट लगी थी जब ये हत्याकांड हुआ था, और उसको मार्क करके रखा हुआ है उन जगहों को ताकि लोगों को पहचान हो सके कि ये बुलेट वाली जगह है। और यहाँ पे देखिए हर जगह राइटिंग में भी इसके हिस्ट्री के बारे में लिखा है, और इंग्लिश, पंजाबी और हिंदी लैंग्वेज में लिखा है ताकि हर कोई आसानी से इन सब चीज़ों को पढ़ के समझ सके। और यहाँ पे देखिए जैसे कि लिखा हुआ है कि इस एक दीवार में 36 बुलेट लगी थी उस टाइम पे। तो आप सोच सकते हैं कि जब एक दीवार में 36 बुलेट लगी थी जब जनरल डायर ने फायरिंग का आदेश दिया था, तो पूरे जलियांवाले बाग में कितनी बुलेट चली होंगी, कितनी। तो देखिए जहाँ जहाँ व्हाइट कलर के मार्क्स किए हुए हैं वहाँ वहाँ पे बुलेट चली थी, और वो होल्स इसीलिए हैं बुलेट की। जलियांवाले बाग में बहुत सारी जगहों पे गोलियों के निशानों को मार्क किया हुआ है, तो दीवारों में जो गोलियों के निशान बस गए हैं उनको तो निशानी के तौर पे रखा हुआ है, पर जो इंसानों पे गोलियां चली थी उनका कोई नामो निशान ही नहीं बचा है। पर जैसे कि और भी मैंने आपको दिखाए थे रूम्स में, अलग अलग मूवी और फिल्म के जरिए दिखाया जा रहा है कि क्या हुआ था उस टाइम पे 13 अप्रैल 1919 में, वैसे ही यहाँ पे एक और रूम है, वहाँ पे बड़े बड़े नेताओं और जो सिपाही थे उस टाइम जिन्होंने आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उनके पोस्टर और फोटोज लगे हुए हैं, उनके नाम दिए हुए हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है प्रॉपरली, सही से हम लोग को मालूम होता है कि वो कौन थे और उन्होंने क्या क्या किया। पर इसके अलावा यहाँ पे शहीद भगत सिंह जी की जो हिस्ट्री है और उन्होंने क्या किया 1947 के लिए, आज़ादी के लिए उन्होंने क्या कुर्बानी दी, उसके बारे में भी यहाँ पे एक प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाया गया है। तो चलिए हम लोग वो देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ इस वीडियो। The British dreams of suppressing nationalism could iron hand
shattered. In spite of the censorship imposed, the news of massacre, firing on the insects, the news of converting the festivities in Lahore, can reach the surrounding villages and turn their own boy also hurt. Instead of being in tears, the Sahib was furious and decided to see with his own eyes what the British had done. Yes, and they were this young boy was embarrassing. A boy whose uncle achieved something had already been challenging the British. The determination and nationalist zeal of this young boy made him come to Jayavarapa, and what he saw shaped his future career as a revolutionary. He saw the former revolutionary part of the massacre when the British dragged the law. Who knew that this boy would one day truly be the revolutionary strength in Great India after his martyrdom? से इस मूवी में सरदार भगत सिंह और सरदार उधम सिंह ने जो आजादी के लिए किया वो इसमें दिखाया हुआ है। और ये है सरदार उधम सिंह की फोटो, और यहाँ पे उनका बारे में लिखा हुआ है कि वो क्या सोचते थे। उन्होंने बोला था कि मुझे मौत की सजा से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, परवाह नहीं है, पर मैं इस ब्रिटिश राज से आजादी दिलवाना चाहता हूँ। और एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी जो आपने एक मटका देखा था उस मटके में सरदार उधम सिंह की अस्थियां रखी हुई हैं, जो कि 19 जुलाई 1974 को लाई गई थी भारत में। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे वो सब चीज़ें मौजूद हैं जो कि उस टाइम आंदोलन, जो कि भारत को आज़ाद करवाने में इन लोगों ने इतनी बड़ी भूमिकाएं निभाई हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। उन्होंने सब कुछ अपना जान कुर्बान कर दी आज़ादी के लिए, और शायद इसीलिए आज हम आज़ाद हैं और खुली हवा में, आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात। मेरे इस ब्लॉग के आखिर में मैं आपको यहाँ पे जो अमर ज्योत हमेशा जलती रहती है, हर वक्त जलती रहती है, और जो कि उन शहीदों की याद में जलाई गई है, वहाँ लेके चलती हूँ। इसीलिए इसे अमर ज्योत कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा हर वक्त जलती रहती है, और इसे ऊपर से कवर किया ताकि चाहे कोई हवा बारिश कुछ भी आए तो ये बुझती नहीं है, हमेशा ये ऐसे ही जलती रहती है। तो ये है अमर ज्योत जो कि उन शहीदों की याद में जलती। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो जो मैंने कि जले वाले बाग पे बनाया। बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, पर यहाँ की जो हिस्ट्री साथ साथ में हम लोग देख रहे थे, और साथ साथ में जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो पढ़ते हुए जा रहे थे। यहाँ तक कि यहाँ शहीद उधम सिंह की अस्थियाँ तक रखी हुई है अभी तक।
तो उन सब चीज़ों को देख के ये वीडियो तो चलो मैंने आप लोगों के लिए बना दी है, पर यहाँ पे वैसी कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे एक अभी भी एक जब ये सब चीज़ें देखो तो एक गमगीन सा माहौल लगता है। और अगर उसे डीपली आप देखोगे समझोगे तो आपको अंदर से फील होगा कि उस टाइम कैसा उन्होंने डर दिखाया है सब लोगों ने। तो इस तरीके से मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, नए एक वीडियो के साथ आपको फिर से मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ये था मेरा जलियांवाला बाग का वीडियो जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई जो कि उस वक्त घटी थी। पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपको कैसा ये वीडियो देख के अनुभव हुआ, कैसा फील हुआ, प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जब कभी आप अमृतसर आइए तो यहाँ ज़रूर आइएगा, आपको ही बहुत सारी चीज़ें देखने और समझने को मिलेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों को जिनको जलियांवाला बाग में क्या हुआ था नहीं मालूम हो, उनको मालूम हो जाए और वो भी समझ सके और अनुभव कर सके।